नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हिमांशी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियोस में क से ज्ञ तक के व्यंजन सीख लिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी इनका अभ्यास अपने घर पे कर रहे होंगे और अब अच्छे से सारे व्यंजन आपको लिखना आ गए होंगे। तो आज हम सीखेंगे अक्षर श्र। जिस तरह से मैंने आपको बताया था क्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन हैं, इनमें क श अ क्ष, त र अ त्र, ग य अ ज्ञ संयुक्त हैं। इसी तरह से श्र में भी श र अ श्र। बोलिए मेरे साथ श्र। श्र श्रवण कुमार का, आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी है, अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे श्रवण कुमार। तो ये है श्र से श्रमिक। श्रमिक किसको कहते हैं? श्रमिक कहते हैं जो परिश्रम करते हैं, लेबर्स होते हैं, मजदूर, श्रमिक, जो श्रम करते हैं वो श्रमिक। श्र से श्रम, श्रम मीन्स वर्क, काम करते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, श्रम। आपसे कहते हैं ना, पढ़ाई करनी है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम का फल मीठा होता है, मीन्स जब हार्ड वर्क करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। श्र से श्रम, श्र से श्रवण। श्रवण किसी का नाम भी हो सकता है और श्रवण मीन्स सुनना भी हो सकता है। श्रवण करना मतलब सुनना। और श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स क्या होता है? जब हम पूजा करते हैं भगवान की, किसी भी भगवान की, गॉड की, जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो बोलते हैं हम श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना। श्रद्धा किसी के ऊपर भी हो सकती है, हम किसी को भी अपना भगवान मान सकते हैं। तो श्र से श्रद्धा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। श्र से श्रमिक, श्र से श्रम, श्र से श्रवण, श्र से श्रद्धा। तो इसे लिखने से पहले हम पिछले सभी अक्षरों को दोहराएंगे, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे अक्षर श्र। ठीक है, रेडी? आपको मेरे साथ साथ बोलना है, ओके? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं। फिर ये कौन सा अक्षर है? च। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जामुन, झ से झरना, यहाँ से कुछ नहीं। फिर ये क्या है? ट। ट से टमाटर, बोलते जाइए, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण से कुछ नहीं। फिर पढ़ेंगे इसको। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धन, न से नेत्र। फिर प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, ब से बतख, भ से भालू, भ से भिंडी, म से मछली। म से मछली के बाद ये क्या है? य। य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वीड़ा। फिर ये क्या है? श। श से शलगम, ये फिर से श है, इसको भी श बोलते हैं, इसको भी श बोलते हैं, पर दोनों का उपयोग अलग अलग जगह पे होता है। ये है श से षटकोण। फिर स, स सपेरे वाला, सांप वाला, स सा, स से साइकिल, ह से हलवा, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। फिर ये क्या है? ज्ञ, बोलिए ज्ञ से ज्ञानी, वेरी गुड। अब हम सीखेंगे श्र। श्र देख के आपको लगता है ऐसा कोई अक्षर सीखा है?
हमने इस तरह से क्षर क्षत्रिय में बनाया था स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर जाके इस तरह से राउंड करके तब हमने इसको द दवात के जैसे मोड़ दिया था। इसमें हमें क्या करना है, स्लैंटिंग लाइन जाएगी, उसको क्लोज करेंगे और फिर नीचे स्लैंटिंग लाइन लेके आएंगे और एक और स्लैंटिंग लाइन के काइट के जैसे यहाँ पर बन जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बनाइए स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन के बीच से शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने आपको तरफ त्रिशूल में बताया था ना कि काइट में उस तरफ बनती हैं दो स्टैंडिंग लाइन, त्रिशूल में इस तरफ बनती हैं। तो हम पहले इसको ऊपर लेके गए और इसको मोड़ के बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद इसकी टेल थोड़ा और नीचे ले आएंगे और फिर यहाँ से के काइट की एक और स्लैंटिंग लाइन बन जाएगी और ऊपर आ जाएगी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। बनाए एक बार और, स्टैंडिंग लाइन बनाना है पहले, बनाइए स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बीच से स्लैंटिंग लाइन लेके ऊपर जाइए, अब स्लैंटिंग लाइन को राउंड करके बंद कर देना है इस तरह से, जैसे हम ग में बंद करते हैं और भी अक्षरों में हमने इस तरह से सीखा है। फिर ये स्लैंटिंग लाइन टेल की तरह थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और यहाँ से के काइट की दूसरी लाइन जैसे बीच से निकलती है उस तरह से, और ये स्लीपिंग लाइन श्र से श्रमिक। फिर से बनाइए एक बार और, बड़ा सा स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बीच से शुरू करेंगे, ऊपर ले गया स्लैंटिंग लाइन, इसको मोड़ के ऐसे बंद किया, स्लैंटिंग लाइन को नीचे तक ले आए, एक और स्लैंटिंग लाइन यहाँ से के काइट वाली निकाल के ऊपर स्लीपिंग लाइन, ठीक है ना, बन जाएगा। यस, आप लोग इतने सारे अक्षर लिख चुके हो, अब तो आप सीख ही जाओगे जल्दी से। तो अब कॉपी में लिखेंगे, फोर लाइन नोटबुक में, सेकेंड लाइन से स्टार्ट होते हैं ना हमारे सारे लेटर्स। तो कॉपी पेंसिल रेडी, वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टैंडिंग लाइन, ओके। स्टैंडिंग लाइन के बाद क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन के मिडल से बीच से स्लैंटिंग लाइन को ऊपर ले जाना है, इस तरह से ले जाइए, ठीक है। अब इसको ऊपर जो हम लेके गए थे उसको राउंड करके बंद करना है इस तरह से, और इसकी स्लैंटिंग लाइन नीचे वापस आ जाएगी। इतना हो गया, गुड। अब क्या करना है, ये हमारा इतना बन गया, एक और स्लैंटिंग लाइन जहाँ से हमने फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन ली थी ना के काइट इसमें से स्टैंडिंग लाइन से, इसमें एक और नीचे की तरफ और ऊपर आ जाएगी स्लीपिंग लाइन, श्र से श्रम। जब आप श्रम करेंगे तो आप अच्छा फल पाएंगे, लिखने के लिए परिश्रम करना होगा, टाइम देना होगा पढ़ाई को, ठीक है ना। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बीच से स्लैंटिंग लाइन ऊपर जाएगी राउंड, फिर इसकी टेल थोड़ा सा नीचे तक आ गई, एक और स्लैंटिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, श्र से श्रवण कुमार। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बीच से ऊपर की ओर जाएगी स्लैंटिंग लाइन, फिर इसको राउंड कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे, एक और स्लैंटिंग लाइन, ऊपर बन गई स्लीपिंग लाइन, श्र श्र से श्रवण, श्र से श्रद्धा। ये बन गया श्र, आपका भी बन रहा है ना नोटबुक में, वेरी गुड। चलिए एक बार और करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बीच से शुरू करेंगे, ऊपर ले गए स्लैंटिंग लाइन और फिर इसको घुमा के नीचे ले आएंगे, एक और स्लैंटिंग लाइन, हो गया। इसको अगर हम ना देखें तो ये उल्टा के लग रहा है ना, देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन मेरे साथ साथ बनाते जाइए, स्टैंडिंग लाइन के बीच से शुरू करिए, ऊपर की तरफ स्लैंटिंग लाइन लेके जाइए, इसको राउंड करके फिर नीचे, यहाँ से एक और स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन कहाँ पे रहेगी,
स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, ठीक है। बनाइए अच्छा अच्छा सचरा बनाइए, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग आपको बहुत अच्छी रखनी है अपनी, ठीक है। लाइन से बाहर किसी का भी लेटर नहीं निकलना चाहिए। वेरी गुड, इस तरह से बन रहा है ना अक्षर। चलिए एक बार और लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बीच से स्लीपिंग लाइन ऊपर जाएगी, राउंड करके नीचे एक और स्लैंटिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। श्रसी श्रमिक, श्रमिक जो होते बहुत मेहनत करते हैं। श्रसी श्रम, श्रसी श्रवण, श्रसी श्रद्धा। तो ये आपका कौन सा अक्षर है? श्र, बोलिए श्र, ठीक है। इसको लिखना आ गया आपको, इसका अभ्यास करते रहिए और पिछले सभी अक्षरों का अभ्यास आपको करते रहना है। आपकी नोटबुक में भी श्र से श्रमिक दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को पसंद और साझा करना न भूलिएगा। धन्यवाद।